हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा? धरती जिस पर हम रह रहे हैं, जो हमें इतनी बड़ी दिखती है, वो बाकी ग्रहों की तुलना में कितनी बड़ी है? आज हम इन सभी सवालों का जवाब इस क्ले से खोजेंगे और अपना खुद का सोलर सिस्टम बनाएंगे। एक्टिविटी शुरू करने से पहले हम सभी ग्रहों का नाम पेपर पर लिखकर इस क्रम में रख लेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब हमें 2 kg का क्ले लेंगे और इससे करीब 30 cm का सिलेंडर बना लेंगे। क्ले की जगह आटे का इस्तेमाल करके भी हमें सिलेंडर बना सकते हैं। अब हमें इस 30 cm लंबे सिलेंडर को 10 बराबर भागों में बांटना है, तो एक भाग 3 cm का होगा, यानी हम हर 3 cm पर एक मार्क लगाते जाएंगे। ऐसा करते करते इस सिलेंडर को हमने 10 बराबर भागों में बांट दिया। अब इसमें से पहले 6 भाग लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पे कट लगा देंगे, पूरा ऊपर से नीचे तक। इन 6 भागों को मिलाकर एक गोला बना लेंगे। अब इस गोले को ये बृहस्पति वाली जगह पे रख देंगे और हमारा ये पहला ग्रह बन के तैयार है, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इन बचे हुए 4 भागों में से 3 भाग ले लेंगे। अब इन 3 भागों को इस शनि वाली जगह पे रख देंगे। इसका हम अभी गोला नहीं बना रहे, क्योंकि इसमें और क्ले ऐड करना बाकी है। इस बचे हुए 1 भाग का वापस हम 30 cm लंबा सिलेंडर बनाएंगे। अब इसको 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। अब इनमें से 5 भागों को 1, 2, 3, 4, 5 भागों को हम अलग कर लेंगे और इनको शनि वाली जगह पर रख देंगे। पर अभी भी इसका गोला नहीं बनाएंगे, क्योंकि शनि भगवान को अभी और चढ़ावा बाकी है। अब इन बचे हुए 5 भागों में से 2-2 भागों को हम अलग कर लेंगे और इनका गोला बना लेंगे। अब एक गोले को अरुण की जगह और दूसरे वाले को वरुण की जगह रख देंगे। इस बचे हुए 1 भाग को वापस से हमें 10 बराबर भागों में बांटना है, लेकिन इस बार ये क्ले बहुत कम है, तो हम केवल 10 cm लंबा ही सिलेंडर बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। अब इसमें से 9 भागों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को निकाल कर हम शनि वाली जगह पर रख देंगे। अब शनि का कोटा पूरा हो चुका है और इन सबको मिलाकर एक गोला बना देंगे। अभी तक हमने सिर्फ आउटर प्लैनेट्स को ही कवर किया है और हमारी 99.9% क्ले इस्तेमाल हो चुकी है। अब इस बची हुई 0.1% क्ले से बुध, शुक्र, धरती, मंगल, ये 4 ग्रह निकलेंगे। तो हम देख सकते हैं कि सूरज के पास वाले प्लैनेट्स बहुत छोटे हैं, चारों मिलाकर इस छोटी सी क्ले के बराबर हैं, और दूर वाले प्लैनेट्स बहुत बड़े हैं इनके कंपैरिजन में। अकेला बृहस्पति ही 60% है, शनि 35.9% और अरुण और वरुण 2-2%। अब इस क्ले के हमें फिर से 10 भाग करने हैं। इसमें से 5 भाग लेकर 1, 2, 3, 4, 5 इसका गोला बनाकर पृथ्वी पर रख देंगे। ये हमारी छोटी सी धरती निकल कर आई है। हमें लगता है कि धरती बहुत बड़ी है, लेकिन अगर इसको जुपिटर के पास लेके जाएंगे तो ये दिखाई भी बड़ी मुश्किल से देगी। इन बचे हुए 5 पार्ट में से 4 पार्ट्स निकालकर 1, 2, 3, 4
शुक्र बना देंगे। तो इन 10 भागों में से 5 भाग से अर्थ बनी और 4 भाग से शुक्र बना, यानी धरती और शुक्र का साइज लगभग बराबर सा है, इसीलिए शुक्र को अर्थ सिस्टर प्लैनेट भी बोलते हैं। अब जो लास्ट टुकड़ा बचा, इसको हम 2 सेंटीमीटर के करीब रोल कर लेंगे। अब इसमें से 0.5 सेंटीमीटर से बुध बनेगा, अब बचे हुए 1.5 सेंटीमीटर से मंगल बना देंगे और हमारा ये सौर मंडल बनकर तैयार है। ये तो हुई प्लैनेट्स की बात, लेकिन अगर इसी मॉडल में हमें सूरज को भी रखना हो तो हमें 1000 किलोग्राम के लिए और चाहिए होगी। तो सभी प्लैनेट्स के लिए 2 किलो, सूरज के लिए 1000 किलो। इस फोटो में आप जो ये पीले कलर का सर्कल देख रहे हैं, सूरज इतना बड़ा होगा। इस इतने बड़े सौर मंडल में एक धरती ही है जिस पर जीवन संभव हो पाया है। इस छोटे से बिंदु को हम सहेज कर रखें, ये हमारी जिम्मेदारी भी है और जरूरत भी। थैंक यू।